हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शरीफ और आप देख रहे हैं न्यू टेक डिवाइस। दोस्तों आज की इस वीडियो में करने वाले हम इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग। ये है दोस्तों आई सोनिक की तरफ से आने वाला हेयर ट्रिमर। इसमें दोस्तों आपको 7 आइटम मिलते हैं, 7 in 1 है दोस्तों। इसमें आप अपने नाक के बाल भी बना सकते हैं, हेयर की कटिंग कर सकते हैं आप। ये एक बहुत ही अच्छा हेयर ट्रिमर है दोस्तों, जिसे मैंने ऑनलाइन परचेस किया है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, साथ ही में इसके फीचर्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों आई सोनिक की तरफ से आने वाला है एक हेयर ट्रिमर, जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। अगर हम इस बॉक्स की बात करें दोस्तों, यहाँ सबसे ऊपर आई सोनिक की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। इसके नीचे दोस्तों यहाँ पर 7 in 1 क्रोमिंग सेट लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाता है। नीचे दोस्तों यहाँ पर रिचार्जेबल बैटरी इसके अंदर आपको एक मिल जाएगी, यूनिक ब्लेड इसके अंदर आपको मिलेगी। इसके नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको मेंस ग्रूमिंग सेट लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका मॉडल नंबर की बात करें दोस्तों तो ये है IH830। ये साइड में दोस्तों यहाँ पर आपको मेन प्रोडक्ट ऊपर से देखने को मिल जाएगा। साइड में दोस्तों यहाँ पर आपको इसका अटैचमेंट देखने को मिल जाएंगे। बॉक्स की साइड की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर भी वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। आई सोनिक की ब्रांडिंग है, मॉडल नंबर लिखा हुआ है, वही सब चीज़ें आपको बॉक्स के साइड में देखने को मिल जाती हैं। अगर हम बॉक्स के बैक साइड की बात करें, बैक साइड में भी दोस्तों आपको सेम चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है जो कि आपके इसी ट्रिमर की है। देन बॉक्स के राइट साइड में देखेंगे, यहाँ पर इस ट्रिमर का कुछ फीचर दिए गए हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको नो जेन हेयर ट्रिमर मिलेगा, डुअल सेवर है, प्रीसीजन ट्रिमर है, ट्राइमर ब्लेड इसमें आपको मिल जाएगा, हेयर कैंपिंग का कम्बो टूल मिलेगा, 3 mm का कम्बो मिलेगा, बेस कम्बो मिलेगा। तो ये सब इसके अंदर फीचर हैं जो कि दोस्तों मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके नीचे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बहुत कुछ दोस्तों इस बॉक्स के ऊपर देखने के लिए है नहीं, तो चलिए बिना वक्त गवाए दोस्तों हम फटाक से बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं अपने मेन कंटेंट को। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको एक यूज़र गाइड मिल जाती है इसी प्रोडक्ट के बारे में, तो आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं इसे रख देता हूँ साइड में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है एक चार्जिंग स्टैंड, जिसमें आप अपने ट्रिमर को लगा रख कर चार्जिंग कर सकते हैं। ये दोस्तों प्लास्टिक का बना हुआ, हार्ड प्लास्टिक का मटेरियल इसमें यूज किया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है चार्जर, जिससे आप अपने ट्रिमर को चार्ज करेंगे। ये काफ़ी हैवी लग रहा है दोस्तों चार्जर देखने में, ये 5 volt का चार्जर, जिससे दोस्तों आप अपने ट्रिमर को चार्ज कर पाएंगे। अब दोस्तों अगर हम इसके अटैचमेंट की बात, तो इसमें आपको 4 अटैचमेंट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला अटैचमेंट है दोस्तों, इसमें आपको साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने का ऑप्शन है। इसमें 2 अटैचमेंट दिए गए हैं दोस्तों, इन दोनों को लगाने के बाद आप अपने हेयर को छोटा ट्रिम करना चाहते हैं या फिर बड़ा ट्रिम करना चाहते हैं, आपके हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये वाला अटैचमेंट दोस्तों बहुत ही खास है, इस अटैचमेंट को इस्तेमाल करके आप अपने नाक के बाल काट सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस अटैचमेंट से आप अपने नाक और कान के दोनों के बाल इससे आराम से ट्रिम कर सकते हैं। इसके बाद फिर अगला अटैचमेंट दोस्तों, ये भी बहुत ही खास है, इसकी मदद से आप अपनी दाढ़ी के बाल को ट्रिम कर सकते हैं। देन अगेन दोस्तों आपको यहाँ पर एक अटैचमेंट मिल जाता है, इसका इस्तेमाल करके आप क्लीन शेविंग कर सकते हैं। ये क्लीन शेविंग करने में आपकी बहुत ही हेल्प करने वाला है। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये आपका मेन ट्रिमर, अभी इसके लिए रख देते हैं साइड में। इसके नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको एक कंघी मिल जाती है और एक ब्रश मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक लिक्विड मिल जाता है इस ट्रिमर को साफ करने के लिए, इस लिक्विड और इस ब्रश की हेल्प से आप इस ट्रिमर को क्लीन कर पाएंगे। तो अभी के लिए दोस्तों ये सब अटैचमेंट रख देते हैं साइड में, अब आते हैं अपने मेन ट्रिमर पर। ये है दोस्तों आपका मेन ट्रिमर। अगर मैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर के साइड में आपको आई सोनिक की ब्रांडिंग मिल जाएगी, इसका मॉडल नंबर मिल जाएगा। देन इसके नीचे दोस्तों आपको यहाँ पर पावर ऑन और ऑफ का बटन मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक LED है जिसकी हेल्प से आप चार्जिंग स्टेटस का पता लगा पाएंगे। देन इसके पीछे दोस्तों यहाँ पर आपको चार्जिंग स्लॉट मिल जाता है, इसमें आप अपने चार्जर को इनपुट करेंगे। बैक साइड में दोस्तों यहाँ पर आपको मेड इन चाइना लिखा हुआ मिल जाएगा। देन हेड में दोस्तों यहाँ पर अभी एक ब्लेड लगी हुई है जो कि काफ़ी अच्छी दिख रही है। आप इस ब्लेड को अपने ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जो इसके साथ अटैचमेंट है वो अटैचमेंट अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पर जो ब्लेड लगी है दोस्तों, उसे चेंज करने के लिए आपको इसे सामने से पकड़ना है। पकड़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा पुश करना है, इसके बाद फिर ये अटैचमेंट यहाँ पर अलग हो जाएगा। इसके बाद फिर आप अपने हिसाब से जो भी अटैचमेंट चाहें वो लगा लें। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको इस ट्रिमर के अंदर देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों एक बार मैं इस पूरे सामान को इस चार्जिंग स्टैंड के अंदर असेंबल करता हूँ, उसके बाद इसका आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने इस पूरे सामान को इस चार्जिंग स्टैंड में असेंबल कर दिया है। आप इस तरीके से असेंबल करके इसे कहीं पर भी रख सकते हैं, जिसे आपको इसे रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये था आई सोनिक की तरफ से आने वाला हेयर ट्रिमर, जिसकी हमने आज अनबॉक्सिंग की। दोस्तों अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसकी बेस्ट बाय लिंक हमेशा की तरह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके इसे परचेस कर सकते हैं।
दोस्तों अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये अनबॉक्सिंग कैसी लगी दोस्तों, आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। साथ में दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए, साथ ही से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों इसी वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।